बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए सपा के धरने पर योगी सरकार को घेरा है। मायावती ने मंगलवार की सुबह ट्वीट कर कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जनविरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म जाति आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। मायावती ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वह अनुचित व निंदनीय है। बीएसपी की मांग है कि यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार के लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देना सही नहीं है। मायावती ने कहा कि भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।